फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेटिंग का पैटर्न लाई हूँ। ये देखिए, इसको आप एज ए बॉर्डर भी बना सकते हो, तो किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको बना सकते हो। आप चाहे तो उसको सिर्फ बॉर्डर पर, बटन पट्टी पर और कॉलर पर भी बना सकते हो, या फुल कार्डिगन के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेडीज, जेंट्स, बच्चों की स्वेटर, जो भी आप बनाना चाहते हो इसे। और इस डिजाइन की और खास बात है, देखिए रॉन्ग साइड से भी इस तरह से दिखता है, तो आप इसको रिवर्सेबल पैटर्न में भी यूज कर सकते हो। तो चलिए सीधा पढ़ते हैं ट्यूटोरियल पे। अगर आपको डिजाइन और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कुछ, ये है मेरा ब्लॉग चैनल, इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर आप इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हो मेरे बारे में और मैं कहां से हूं, ब्लॉग अगर आप देखना पसंद करते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिजाइन की ओर। ये डिजाइन है, सिर्फ 2 रो में ये डिजाइन पड़ जाता है और बहुत ही आसान सा है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने इवन नंबर में फंदे रखने हैं, जैसे 2, 4, 6, इस तरह से आपने फंदे लगाने हैं। मैंने यहाँ पर लगाए हैं टोटल 24 स्टिचेस, 24 फंदे मैंने यहाँ पर डाले। तो देखिए, ये हमारी रो 1 है, राइट साइड से सीधी तरफ से पहली रो क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा सीधा उतार लिया। अब उसके बाद देखिए, ये हमने एज स्टिच रखा हुआ है एक, अब इसके बाद हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो क्या करेंगे, पहले फंदा देखिए सीधा बनाया आगे की तरफ से, अब इसको अभी छोड़ना नहीं है, अब इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से भी सीधा बनाएंगे। एक बार आगे की तरफ से सीधा बनाएंगे और एक बार पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे। फिर यही देखिए करेंगे, एक फंदे को पहले आगे की तरफ से सीधा बनाया और फिर हम पीछे की तरफ से इसी को सीधा बनाएंगे। यही हमने बार बार रिपीट करना है, एक फंदे को आगे की तरफ से सीधा बनाया और उसी फंदे को हमने पीछे की तरफ से सीधा बनाना है। इसी तरह से हमने ये पूरी रो में करते जाना है, एक फंदे को पहले आगे की तरफ से सीधा बनाएंगे, फिर हम पीछे की तरफ से उसी फंदे को सीधा बनाएंगे। आगे की तरफ से सीधा बनाया, फिर पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे, मतलब हम एक फंदे के यहाँ पर 2 फंदे बना रहे हैं। जिस तरह से हम फंदे इंक्रीज करते हैं, उसी तरह से हम ये वाला डिजाइन यहाँ पर डालेंगे, उसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक फंदे को पहले आगे की तरफ से सीधा बना लेंगे, फिर पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से आप ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां पर देखिए, पहली रो मैंने कंप्लीट कर ली है, लास्ट का फंदा मेरे पास बचा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। ये एज स्टिच है, शुरू में भी और लास्ट में भी एक एक फंदा हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे। तो अब आ जाइए रो 2 में, रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से। तो इसमें क्या करेंगे, पहला फंदा देखिए जो एज स्टिच रखा है उसे तो हम ऐसे ही उल्टा उतार लेंगे और उसके बाद देखिए हम यहां पर पैटर्न स्टार्ट करेंगे। धागे को पहला फंदा देखिए उल्टा उतार लिया, उसके बाद धागा हमने पीछे ले जाना है। अब देखिए, पिछली रो में हमारे फंदे बढ़ गए थे क्योंकि एक के हमने 2-2 फंदे किए थे, तो इस रो में हमने वो फंदे डिक्रीज करने हैं, इस रो में हमने पूरे फंदे बराबर करने हैं, घटाने हैं। तो यहां पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे आगे वाले 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा पीछे किया, अब 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लिए, फिर धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 का 1 हम यहां पर ये करेंगे, फिर धागा पीछे, यही हमने बार बार रिपीट करना है। धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे, धागा आगे और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हमने ये पूरी रो भी कंप्लीट करनी है। और देखिए, दूसरी रो भी यहां पर कंप्लीट कर ली है, लास्ट के 3 फंदे मेरे पास बचे हैं, तो ये 2 फंदे हमारे उल्टे पड़ेंगे। 2 का 1 हमने करना है उल्टा और लास्ट का फंदा हमने ऐसे ही उल्टा बना लेना है।
तो ये दो रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिजाइन भी यहां पर ये ओवर हो जाता है। कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगा आपका। यही दो रो आपने बार 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 रिपीट करते जाना है और आपका ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनता जाएगा। तो डिजाइन को ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।